हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन तैयारी में। मैं हूँ अपूर्वा सिंह और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं यूपी की स्पेशल जीके का। सिर्फ 10-10 मिनट्स में हम लोग कवर करेंगे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। और ये जो पूरी सीरीज है यूपी स्पेशल, आने वाले यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है उसके लिए, उसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम है उसके लिए, और जो भी आपके यूपी टेट का एग्जाम है, अदर जो भी एग्जामिनेशन है यूपी पर्टिकुलर, उनके लिए ये एग्जाम सीरीज इम्पोर्टेंट रहेगी। तो फिर इससे पहले वाले हमने पार्ट में डिस्कशन किए थे यूपी की नेबरिंग स्टेट्स, और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यूपी की जलवायु के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यूपी में बेसिकली उत्तर प्रदेश में दो प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला हो गया आर्द्र प्रदेश, आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, और दूसरा हो गया साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। अब इन दोनों को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहला है तराई क्षेत्र, फिर उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये दोनों जो आएंगे ये आर्द्र उष्ण क्षेत्र में आएंगे। आर्द्र उष्ण क्षेत्र में हमारे पहला हो गया तराई क्षेत्र और दूसरा हो गया पूर्वी उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट जो यहाँ पर है साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र, इसमें सबसे पहला आएगा मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, दूसरा हो जाएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और तीसरा हो जाएगा बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र। इन पर्टिकुलर जोन्स में, इन पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उत्तर प्रदेश की जलवायु को। तराई क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, और बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र। इनके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ के फीचर्स क्या क्या है और कौन कौन से उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं जो कि इन क्षेत्रों में आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आ गया तराई क्षेत्र। तो सबसे पहला क्षेत्र है यहाँ पे तराई क्षेत्र, जिसके फीचर्स की अगर हम बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी भी क्षेत्र की जलवायु की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, वो होती है उस क्षेत्र की वार्षिक वर्षा, यानी औसत जो वर्षा वहां पर हो रही है, जितना बारिश हम वहां पे देख सकते हैं, उसी से उस पूरे क्षेत्र की जलवायु इसी बात पे निर्भर करती है कि वहां पे कितनी वार्षिक वर्षा हो रही है। तो सबसे पहली बात, हम किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसके औसत वार्षिक वर्षा को देखेंगे, क्या तापमान रहता है वहां पे वो देखेंगे, और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि फीचर्स की अगर हम बात करें तो तराई क्षेत्र का जो इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वहां पर वर्षा होती है। उसके बाद में वहां का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस रहता है आपका सर्दियों में, और 30 तक पहुंच जाता है गर्मियों में। तो ये देखिए कि यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। जिलों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो जिले तराई क्षेत्र में आते हैं उसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, ये सारे क्षेत्र तराई क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र है वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी डायरेक्शन में जो भी क्षेत्र हो गया उसको हम यहाँ पे बोलेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जहाँ पे औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 100 से 120 तक 20 सेंटीमीटर तक रहती है। तो हमने यहाँ पे तराई क्षेत्र की बात करी थी। तो तराई क्षेत्र का मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो पूरा बेल्ट है इधर से लेकर की कुशीनगर तक की, ये पूरी बेल्ट यहाँ तक कुशीनगर तक की, ऊपर का जो क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र में आ जाता है, और उत्तरी जो हमारा पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर हमारा हो गया इस तरफ का, जो पूर्व की तरफ में क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश का, वो पूर्वी क्षेत्र हो गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि साधारण आर्द्र और उष्ण क्षेत्र जो है इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मध्यवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, बुंदेलखंड के पहाड़ी पठारी क्षेत्र। अब इन क्षेत्रों की क्या क्या विशेषताएं हैं इन पे हम जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो इन क्षेत्र में जो वार्षिक वर्षा है वो 80 से 100 सेंटीमीटर तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों के समय में यहाँ पे आपको तापमान, उच्च तापमान देखने मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा के आसपास आता है।
तो इस वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, तापमान काफी उच्च रहता है और जनवरी में जो तापमान है वो भी 15-16 डिग्री के बीच में रहता है। उत्तरी इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, ये सारे जो जिले हैं ये मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की, तो यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो आपकी होती है 65 से 80 सेंटीमीटर्स तक। शीतकाल के समय में यानी सर्दियों के समय में तापमान यहाँ पे कम रहता है, 12-14 तक रहता है, 12-14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये जिले हैं आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, गाजियाबाद, ये सारे के सारे जिले जो हैं वो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा बुंदेलखंडीय पठारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा जो होगी वो 100 सेंटीमीटर तक होगी, 80 से 100 सेंटीमीटर तक। शीतकालीन समय में 18 से 19 डिग्री सेल्सियस तक और ग्रीष्मकाल में 40 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है। जो जिले यहाँ पर आते हैं ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, ये सभी जिले जो हैं ये इस बुंदेलखंड पहाड़ी पठारी क्षेत्र में आते हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम जलवायु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम निकाल करके लाए हैं। अब यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया है कि जलवायु को कितने प्रकारों से विभाजित किया गया है। यहाँ पे अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आए हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है और जो औसत तापमान रहता है सर्दियों का जो तापमान रहता है वो 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मई जून का जो तापमान है वो 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो जो मॉनसून आता है वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है ये मॉनसून और पूर्व से पश्चिम तक जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे जो वर्षा होती है ये 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर के बीच में होती है और पश्चिम में देखिए अभी मैंने बताया कि पश्चिम में तक जाते जाते कम हो जाता है इंटेंसिटी बारिश की। तो यहाँ पे पश्चिम में जो तापमान जो आपकी वर्षा होती है वो 610 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर तक होती है। जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, अब जो 6th पॉइंट है और 7th पॉइंट है इसको खासकर ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम में आ गया तो गलती नहीं करनी चाहिए, होनी चाहिए आप लोगों से। सर्वाधिक वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में वो गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है और सबसे सर्वाधिक जो औसत तापमान पाया जाता है वो बुंदेलखंड में पाया जाता है और जो गंगा के मैदान है, पश्चिमी गंगा के मैदान है, वहां पे सबसे कम तापमान पाया जाता है शीत ऋतु में। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, औसत तापमान सर्वाधिक कहाँ का होता है, फिर उसके बाद में कितने मिलीमीटर तक बारिश होती है और किस प्रकार की जलवायु है उत्तर प्रदेश की। तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये था उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम यूपी के रिलेटेड और जीके के फैक्ट्स लेकर के आएंगे जो कि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यूपी पीसीएस और यूपी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पूरे वीडियो की सीरीज को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वीडियोस में से निकल करके आए और स्पेशली फोकस हम करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें से देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और तभी हम यहाँ पर उससे रिलेटेड जीके के फैक्ट्स लेकर के आएंगे आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।